मॉर्निंग बच्चों होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैम मैं अनिता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं बच्चों आज नाइन्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान में आज हमने नागरिक शास्त्र को लिया है जिसमें सेकंड चैप्टर जिसका नाम है संविधान निर्माण जी हाँ बच्चों आज चैप्टर इसी चैप्टर से आज हम अध्ययन करेंगे इसमें सबसे पहले हम लेते हैं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसी है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद आ, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्यों है यानी कि यह महत्वपूर्ण क्यों है तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या इसको कह सकते हैं उद्देश्य का तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बंधुता यानि कि भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर उन्नीस ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं बयालीस में संशोधन संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए थे तो बच्चों ये तो था भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का है ना अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है है ना इसका मतलब महत्व तो क्यों है तो चलिए बच्चों इसके महत्व तो को भी देखते हैं भारत प्रत्येक राष्ट्र के संविधान में प्रस्तावना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी देश का संविधान हो है ना तो वो उसके जो उसके जो प्रस्तावना होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह संविधान का एक महत्वपूर्ण क्या होता है भाग होता है विद्वानों के विचारों में इस बिंदु पर मतभेद भी पाया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग है अथवा नहीं विद्वानों का यह भी मत है कि संसद संविधान की प्रस्तावना में भी संविधान के अन्य अनुच्छेदों के समान ही अनुच्छेद तीन द्वारा संशोधन कर सकती है इस स्थिति में प्रस्तावना संविधान का एक कानूनी भाग है है ना? भारत में संविधान की प्रस्तावना को बहुत सोच विचार करने के उपरांत ही यानी कि बाद ही बनाया गया था भारत के संविधान की प्रस्तावना विश्व के अन्य सभी संविधानों की प्रस्तावना से सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें सामाजिक आर्थिक राजनैतिक मूल्यों को प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया गया है संविधान की प्रस्तावना के महत्व को हम यहां निम्नलिखित प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं तो संविधान के इस महत्व को हम यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि इसमें हमारे सब इसमें भारतीय संविधान में भारती कि इसके भाग कितने हैं तो बच्चों संविधान के भाग पहले 22 थे अब इस समय वर्तमान में 25 हो गए हैं और संविधान में पहले कुल अनुसूची 8 थी है ना तो इस समय वर्तमान में बारह अनुसूची बढ़कर बारह हो गई हैं और अनुच्छेद तीन सौ थे जो कि अब इस समय बढ़कर वर्तमान में चार सौ अड़तालीस हो गए हैं तो संविधान हमारा जो संविधान है 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर उन्नीस तक बनने में दो वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे है ना और दो लोगों ने इसको हस्ताक्षर किया था तो कुल सदस्य इसके थे तीन नवासी संविधान समिति के अध्यक्ष थे हमारे मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर बी भी, भीमराव जी है ना तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इसके महत्व तो सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना किसी राष्ट्र की सरकार का मार्गदर्शन करती है जिसके अनुसार सरकार को अपनी नीतियों का निर्धारण करना होता है है ना सेकंड बिंदु है इसका महत्व तो में प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की घोषणा करती है थर्ड बिंदु है यह नागरिकों को प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता जैसे विचार अभिव्यक्ति विश्वास तथा धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित करती है अगला बिंदु है यह व्यक्ति की गरिमा तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखने का आह्वान करती है अगला बिंदु यह भारत के समस्त नागरिकों में पारस्परिक भाईचारे एवं बंधुत्व बढ़ाने का आदर्श उपस्थित करती है अगला बिंदु है यह राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने की आशा अभिव्यक्त करती है अगला बिंदु यह प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर प्रदान करने तथा उसके आदर सम्मान को बनाए रखने में विश्वास प्रकट करती है अगला बिंदु है प्रस्तावना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आदर्शों को अपनाने पर बल देती है अच्छा अगला बिंदु है प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दावली को सम्मिलित करने पर इसका महत्व तो और भी बढ़ गया है अगला बिंदु है इसका प्रस्तावना में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित किया गया है तथा उसे पालन करने की वचनबद्ध तथा वचनबद्ध था, बद, था संविधान निर्माताओं ने व्यक्त की है तो बच्चों ये तो था संविधान निर्माण का निर्माण की प्रस्तावना और इस संविधान की प्रस्तावना का महत्व यानी कि संविधान की, की प्रस्तावना अब महत्वपूर्ण क्यों है है ना तो बच्चों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद